हेलो गाइस, स्वागत करते हैं किट्टू ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्टी खत्म हो गई है और हमारे पति देव है, कपड़ा पकड़े जाना, वहाँ पे कपड़ा उठेगा ही नहीं। और ये पैसे बोलते रानी जी, हमारी रोशनी जी है जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मतलब कि मासूमियत इनके अंदर बहुत ज्यादा है, और इतना ही प्यारा इनका बेटा भी है, बहुत ही अच्छा है। और आपका ब्लॉग बन रहा है ये मेरा ब्लॉग बन रहा है, किट्टो ब्लॉग, और हमको नहीं पता, और हमको नहीं पता, नहीं मेरा किट्टो ब्लॉग है बस, हमको नहीं पता था कि ये हमारे तीनों चैनल को जानती है, अमित एंड किट्टो जैसा और किट्टो ब्लॉग्स और शॉर्ट वाला है ना। तो हम वंदना दीदी का भी वीडियो, ओ भाई वंदना दीदी देख लो, ये आप सबको जानते हैं, और सोनाक्षी सोनाक्षी को भी जानते हैं, देख लो ऋषभ सोनाक्षी वंदना दीदी आप सबको जानती हैं। और इसके बाद बोल 22 दिसंबर को इनके बेटे का बर्थडे है, जो कि आज के दिन आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ये अभी सब लोग को इनवाइट कर दे रहे हैं कि आना है, तो मैं इनको टैग करूंगी, तो आप लोग जा करके इनके चैनल की देखिएगा, क्यूट कपल है, तो बहुत सारे वीडियो से क्यूट कपल करके बहुत ज्यादा डालते थे, है ना। हाँ, तो अभी हम लोग को बुलावा आ रहा है। हाँ, तो हम लोग का बुलावा, अच्छे से बात करेंगे जी, बिल्कुल। इधर इनका ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट दिल के हैं सच में। और यहाँ हमारे पति देव सब लोग खड़े हो गए जाने के लिए, हवा मस्त चल रही है, गजब यार, ऐसा लग रहा है ना, क्या बात कर रहे हो यार, छुपे छुपे नहीं रहा, काले काले सारे, क्या हुआ यार, सब चलता है, फिल्टर मार दो, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले अच्छी तो यार, अब कितना सुंदर हो गया, ऐसे लोग इतना प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन हवा बहुत मस्त चल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। बाय, हाय, क्या हाल है, इसको ना ये वीडियो दिखा रहे डांस का। तो फाइनली गाइस, मैं देखिए तो इस वाला पैंट तो 150 रुपए पड़ेगा जी, ऐसे ही किसी पैंट में इतना, किसी पैंट में इतना, कभी चेक, हम तो चेक, हमारे ना पैंट में हाथ डालने की आदत नहीं है कि हम चेक करें कितना है कितना है, हाँ जब पैंट होते हैं तो आदत नहीं है ना। अब आप पता नहीं क्या सोचते हो, मनीषा आ गई है, थोड़ा सा कहिए कपड़ा चेंज कर रहे थे तो अपना लेट गई है, अभी चले जाएंगे तो कपड़ा चेंज करेगी, और ये हाफ पैंट और टी शर्ट पहन रहे हैं तो मैं भी चेंज कर लेती हूँ गाइज, यही चप्पन का औकात। आज मुझे फील ऐसा हो रहा था ना कि मैं जितना सिंपल में लुक में थी ना उतने ही ठीक लग रही, रिलैक्स भी थी तुम। हाँ, लेकिन मनीषा पूरी को लगेगा ना कि तुम अच्छी लग रही हो तभी, लेकिन ये पूरी वीडियो में मतलब पूरी पार्टी में साथ थी, न ज्यादा मेकअप करोगी ना कोई ज्यादा बोलेगा, कम मेकअप करोगी कोई कुछ बोलवा ही नहीं करेगा, इसलिए बहुत सिंपल थे जो भी थे ठीक थे। तो चलते कपड़ा चेंज कर लेते हैं, फिर मैं जो वहाँ पे पहनी थी मम्मी के यहाँ वही वाला नाइट सूट पहन लेती हूँ, फिर आप अगर आप लोग को कुछ भी बोलना होगा तो बताइएगा, क्योंकि मैं उस पे मैं रहती हूँ, उस वाली वीडियो सुनो मेरी बात, उस पे मैंने वीडियो बनाया था, कपड़ा भी चेंज कर रही है ना, काम का चेंज कर, कपड़ा नहीं बोलेंगे जो भी कपड़ा पैकिंग कर रही है ना जाने के लिए, सुबह ही सुबह हम लोग का शाम को क्योंकि सुबह ही सुबह नींद नहीं पूरा होगा, हमको पता है ना, और एकदम गर्मी एकदम झकाझक सुबह गर्मी लगेगी और सशक सशक के सबको जाना पड़ेगा, अच्छे से हुआ, देखे नहीं टाइम ही नहीं मिला, मिल जाएगा जब फ्री बिल्कुल बिल्कुल, भैया पावर का है, हम देखते हैं हमेशा पैरा दबाते, उस बार भी पैरा दबा रहे थे, थोड़ी देर पहले मिस कर दिया आपने, मैं दबा रहा था, उनका दबा रहे थे, बराबर हो गया। आपका ब्लॉग में थोड़ा आना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, करोगे आपका ब्लॉग में, क्यों नहीं, थैंक यू सो मच। तो गाइस ये देखिए, ये कौन है, वो राजू जी नहीं, राजू भाई नहीं, हम सबको ऐसे ही बोलते हैं, राजू जी मिस्टू भाई, बोला मिस्टू जी का, आपको हमेशा ना देखे आपको उसका ही मिस्टू भाई बोलते हैं, जैसा मिस्टू भाई तो राजू भी भाई, चलो राजू भाई नमस्कार, नमस्कार एकदम, सलाम जय हिंद, सब बढ़िया बा, एकदम बढ़िया बा, कितना शांति से सो रहे हैं, ज्यादा ही हो गया है ना,
समझ रहे हैं आप ही लोगों का और क्या। चलो कुछ पूछो कुछ। अच्छा आप बताइए हम लोगों का सबसे पहला प्रैंक कौन सा खतरनाक गया था। हमारा प्रैंक गया था बिग बॉस वाला खतरनाक, सबसे खतरनाक जिसमें आप लोग चुगलीबाजी कर रहे थे। वो दिन फिर कभी आता ही नहीं है। वैसे दिन नहीं आ सकता दोबारा ना, ना वो दिन पहली बार था लेकिन गजब का था। जो होता है वो फर्स्ट टाइम ही होता है। सही बात है, मस्त का एकदम देखा था। मनीषा का जो एक्टिंग था खतरनाक। अरे हम तो मनीषा के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाए यार, मनीषा भी ऐसे बोल सकती है। अब मिस्टी सुना देख सुना क्या बोली सुना हमके भगवान। वो प्रैंक आप पे हुआ था ना। हाँ हम ही लोगों पे हुआ था, हम लोग समझ नहीं पाए। अब मिस्टर करिए देखो जाने दो किटो जा रही है ना जाने दो। अब कहे नहीं यार इतना रात हो गया कहाँ जाएंगे ये लोग बताओ, बैग पैक कर रहे थे ये लोग रात हो रात। अब मुझे क्या मालूम कि सच में ये प्रैंक हो रहा है, लेकिन सोच रहे कि एक प्रैंक कर ले क्या। बहुत बुरा लग रहा है, हम जानते थे कि आप आएंगे, हम पहले कैमरा ऑन कर लेते हैं। नहीं हम एक्चुअली काउंट करके जा चुके हैं। अब कर चुके हैं? अच्छा मतलब हम लेट हो गए। इसका क्या है जी, ये सोने चांदी का देख लो। ये मिस्टी का है। दो पार्ट में लाओगे ना? अच्छा पार्टी वाला दो एक एक नहीं नहीं अपना पैकिंग कर रही है। कार्तिक सो गया क्या? वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं राजू भाई, नहीं तो फिर अभी राजू को बोल देंगे तो फिर उनका पैकिंग हो रहेगा। इतना बड़ा बैग लेकर आई थी है ना, और अभी सामान उनके घर पे बहुत सारा है। किसके घर? कितना लेकर आए थे बैग? एक एक ही बैग लेकर आए थे क्या? बच्चे आए ना तो बच्चे के लिए उसी का तो ज्यादा सामान है। बाप बेटा का, बाप बेटा का, बाप बेटा का ज्यादा है और माँ का कम है। अच्छा धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियाँ समझ गए होंगे ना, जैसे इतना कम एज है हर चीज अभी दुनिया तो देख के नहीं हो गए ना। फर्स्ट टाइम गाइस आप सबको पता है ये फर्स्ट टाइम अभी बाहर आ रहा है, फर्स्ट टाइम कभी नहीं आए थे। दिल्ली जाओगे तो भी रुकोगे ना? 24 तारीख कल हम लोग का ट्रेन है। 24 तारीख कब का है? 2 बजे मेरे यहाँ आइएगा। तो दिल्ली भी ही तो मेरा घर है। देखो कल आप कल तो आप लोग पहुंच जाओगे और 24 तारीख को आप लोगों का दोपहर में है तो हम लोग के घर से पास पड़ता है। नई दिल्ली, नई दिल्ली से है ना, हम लोग के घर से पास में ही पड़ता है। तो गाइस ये सुबह सुबह चले जाएंगे, जब तक हम लोग सोएंगे तब तक ये चले जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कुछ देर तक बात कर लेती हूँ और मैं इनको बोली चलिए मेरे यहाँ घर पे, तो लेकिन 2 बजे का फ्लाइट रहेगा। तो अगर ये फ्लाइट नहीं जाता ट्रेन से जाते तो हम पक्का जाते हम लोग। हाँ नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके आप लोगों से मिलके कर रहे हैं। अभी हम सबसे नंबर ले रहे थे। हाँ सब एक दूसरे को नंबर दिए हैं। ऐसे ही थोड़ा सा इंसान एक दूसरे से मिलता है तो फिर अच्छा लगता अच्छा है, अच्छा लगता है। फिर थोड़ा लोग वीडियो भी देखना पसंद करते हैं। मनीषा बोलेगी इसको से जाओ, मेरे साथ एक भी फोटो ही नहीं खींचा गया था। नहीं अभी मेरा आईफोन नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था कि पैकिंग वैकिंग रात को हो गया था तो अब सुबह हो गया है, तो सुबह सुबह अब सब जा रहे हैं। देखिए रोशनी जा रही है, समझ सकते हैं। मत जाओ ना, फिर फ्लाइट का टिकट कट गया है ना, बात ये है इसके जैसे जाना पड़ा। बहुत ज्यादा एकदम समझ लीजिए एकदम थकान सा लग रहा है। डांस वंस करके ना शरीर और दर्द करने लगा है। अब मौसम इतना अच्छा है गाइस बाहर का ना कि बता नहीं सकते। सब लोग तैयार हो गए बेचारे लोग, जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। हे किटरनी क्या जा रही हो? मेरा चाहिए तुम्हारे चक्कर में जा रहा है जी। और ठीक अब सब आते हैं फिर चले जाते हैं, हम लोग भी चले जाएंगे। अभी हम लोग का भी रात को ट्रेन है ना, देखो एक लोग का टेंशन यार।
हमा पिता पिता वे हमा पिता ये ठंडा लग रहा है। कार्तिक देखो अभी कदम कदम बढ़ाते हुए हम पिता पिता में जल्दी से बैठा बैठा रे। बारिश हो रही है, तुम्हें नहीं पता था? सावन का महीना आया है। बाय गाइस, बाय बाय। अरे हम तो कई दिनों से बारिश सोचे थे, मनीषा जी आज बारिश में किटो चले भीगे क्या? आ जाना किटोआ, किटोआ। तो गए सब लोग चले गए, आप लोग देख लिए। और ये रही हमारी आज की वीडियो, और सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं उदास उदास। तो अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो भी हम लोग भी चले जाएंगे रात को। तो आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।